रोहित शर्मा के लिए आसान नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया में खेल पाना अभी तक तय नहीं। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के फिट होने की पुष्टि जरूर कर दी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने से पहले उनके लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा फिटनेस टेस्ट पास कर ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। बीसीसीआई साफ कर चुका है कि 14 दिसंबर को रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। रोहित शर्मा के लिए हालांकि अब भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में खेलने की राह आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए सख्त नियमों की वजह से रोहित शर्मा को 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने कहा है कि रोहित शर्मा को क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद भी एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। बीसीसीआई ने कहा, भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी में अपनी रिहेब प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब वह फिट है। रोहित को आईपीएल में मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत हुई थी। वे 19 नवंबर से एनसीए में रिहेब पर थे। बयान में कहा गया है, एनसीए की मेडिकल टीम रोहित की फिजिकल फिटनेस से पूरी तरह से संतुष्ट है। मेडिकल टीम ने उन्हें बल्लेबाजी, फील्डिंग और विकेटों के बीच दौड़ जैसे पैमानों पर परखा है और उनकी स्थिति से वह संतुष्ट है। उन्हें हालांकि अपनी ताकत पर काम करना होगा। ऑस्ट्रेलिया में खेलना अभी तक तय नहीं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर वह 2 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन रहेंगे और फिर टीम के साथ जुड़ेंगे। बयान में लिखा गया है, 2 सप्ताह के क्वारंटाइन के लिए उन्हें डिटेल प्रोग्राम दिया गया है। क्वारंटाइन के बाद मेडिकल टीम एक बार फिर उनकी जांच करेगी और इसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनके हिस्सा लेने पर फैसला करेगी। रोहित को शुरुआत में टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई थी। ऐसी उम्मीद की जा रही कि विराट कोहली की अनुपस्थिति में रोहित शर्मा के आखिरी 2 टेस्ट मैचों में हिस्सा बनने से टीम इंडिया को बड़ी राहत मिल सकती है। फ्रेंड्स, आपका रोहित शर्मा के बारे में क्या कहना है, अपना सुझाव कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।